ओनली 1250। इतने सारे सूट हैं, इसमें 20 के सूट हैं और नीचे भी हैं, ये 20 के हैं। कम से कम 100 सूटों का ऑर्डर है। इब 2 मिनट पहले इनकी इतनी बुंडी लड़ाई बाज रही थी। किसी बने रही है सब्जी, देखिए अब क्या होगा। देखिए रायता किसा बन रहा है। बस ठीक के ठाक है। पहले गाइस सबको राम राम। और भाई इतने दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही मेरे इस वाले चैनल पे। रीजन यही है क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं लगता बिल्कुल भी। सुबह से शाम सोपर ही रहते हैं। और तो नया सारा स्टॉक आ चुका है हमारे। चलो भाई ये वाले भी बहुत सारे कस्टमर हमारे जो उनको पता लग जाए। ज्यादातर ये औरतें ही फॉलो कर रही है, औरतों का तो काम नहीं चलता भाई सूटों के बगैर। तो आज का सारा स्टॉक आया है और कुछ मैं निकाल भी रही हूँ। चलो निकालते निकालते आप लोगों से भी बात हो जाएगी, आपकी भी हाल चाल हम पूछ लें, क्योंकि सारा दिन बिजी रहने के कारण कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा, कोई वीडियो नहीं आ पा रही। तो इसलिए ऐसे दिखन चीता ना कट गई मौसम। एक तो देखो मैं ये डाले हुए थे ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन में ओनली 1250 इसका स्टॉक आया है। लेकिन इसके ऑर्डर पहले से ही हैं हमारे, कोई करनाल के आए थे उन्हें चाहिए काफ़ी सारा स्टॉक साथी के लिए। तो ये ऐसे 1250 का हैंडवर्क का सूट ऐसे ऐसे हम लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं ऑफलाइन? क्योंकि दूर दूर से कस्टमर आते हैं, होल सेल का प्राइज है। दूर दूर से आने वाले के लिए ये बेनिफिट है कि भाई वो कम प्राइस में बहुत बढ़िया हैंडवर्क के सूट ले सके। इनको हम ऑनलाइन में देते। ये वाले का स्टॉक आ गया है और इसमें एक साइकिल वाला मैंने पहनना था उसकी कॉपी आ गई है। इसका प्राइस रहेगा 1850। बहुत सारा नया नया स्टॉक आया है, वैसे डेली आता आपको बता दूँ। फिर मेरी बेबेनों को होगी तुम वीडियो तो नहीं बड़े तो कहते हैं बात के नजर लग जाती है ना। पर आप सबका प्यार है। एक ही बहुत प्यारा हैंडवर्क और लेके आ गए हैं 1795 और इसका फुल स्टॉक आ गया। देखिए इतने सारे सूट हैं, इसमें 20 के सूट हैं और नीचे भी हैं, ये 20 के हैं। कम से कम 100 सूटों का ऑर्डर है इनका। ये वाले भी आ गए हैं, इसमें और भी हैं, वाइट एंड ब्लैक बहुत प्यारे सूट आए हैं। ये देखो ये सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत प्यारे कलर आए हैं सबको, स्पेशल गर्लिश के लिए। वाइट तो बहुत प्यारा कलर है, बिल्कुल अलग थी। ब्लैक भी देखो कितना प्यारा सूट है, बहुत प्यार और कंट्रास्ट का दुपट्टा, दो कलर हैं। ये भी आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल परीरानी सूट पर देखने के लिए। और इसमें भी है, ये इसका भी काफ़ी सारा स्टॉक मंगवा लिया है। उसके बाद एक और वैरायटी आई है जो जयपुर की है, डाई एंड डाई का, कितना प्यारा सूट है। और इसमें भी कई सारे कलर आपको मिलेंगे। लेंथ भी काफ़ी है इनकी और प्यारे प्यारे कलर आए हैं इसमें। देखो कितने प्यारे प्यारे कलर, ये भी है इसका और इसका भी फुल स्टॉक है। लगता नहीं आज सारे ही, तो देखो बन नहीं पाओगी वीडियो। तो अभी हम खोल रहे हैं और अपने यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, तो अभी जाओ यूट्यूब की वीडियो बनाए। कौन नहीं जानते हम ना जावा खड़ी। यो सूट पहन रहे इसका भी बता दो बब्बी। ये खत्म हो चुका है, आया था उसी दिन। ये डब्लू के आगे बहुत प्यारे प्यारे हैंड वर्क के, जिन में आते हैं प्यारे प्यारे लंबे चौड़े दुपट्टे। अपने तो ये बिटोरे हो गए ना इब येलो पर एक नहीं थी। देखा गाइस येलो से एक येलो पैर अभी खड़े हो। देखे अपनी शा देखे
भाई ये काम करियो, बहुत सारा स्ट्रोक है, दिखांदे दिखांदे मेरा तो आगे लाइट बज रही है, ऐसी नहीं चल रहा, गर्मी तो नहीं ज्यादा। तो ना यो सारी डिटेल आपने ना दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, मैंने घर आ जाकर रोटी भी बनानी है, बहुत काम है। मैंने तू मैगी, वो मैगी थोड़ी खा लेगा, तू मैगी खा लेगी तो बिनू तो ना खावे ना। भाई ये सर कैसे हो आप, बड़े बड़े स्टार हमारी शॉप पे आते हैं और हम सोच नहीं पाते। ठीक है गाइस, थोड़ी देर में मिलूंगी, रख दे मेरी माँ। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कैमरा ऑन नहीं करती, बोलती रहती हूँ। तो अभी अभी हम घर आए हैं और अभी मैं घर आके खाना वो बट्टी। तो अभी मैं आते ही पहले कपड़े चेंज करूंगी, फिर जाऊंगी हाथ पैर धो के किचन में और खाना बनाऊंगी। तो काम करके अभी हुई हूँ मैं फरी और टाइम हो चुका है 10:30। और अभी मिलते हैं आपसे कल, वो लोग तो बन भी नहीं पा रहे क्योंकि सूट की वीडियो डालनी होती है उस पर, और कल देखते बन पाया। तो इस टाइम बस थक जाते हैं आके, ये बताऊं 11 बजने वाले हैं, सिर्फ 10 मिनट हैं। अरे मैं बना रही हूँ रोटी, देखो पहले बीनू की फिर अपनी। मैं तो रहता ना कदे कदे खाया करूं, आराम तो बैठ जाने। क्या देख के उदमस्ता रहे इन्हें, तो ठा दो एक को बैठा उड़ा, वो बैग गे रखा परीसा, खा चुकी है हाल है, तुर में रह रहे हैं पकड़े, खुद तो खा लेती है और उसे कोई मतलब नहीं है। बैठ जा परीसा आराम से, सुबह पेपर है ना तेरा, दो इब कितने लड, इब 2 मिनट पहले इनकी इतनी बुंडी लड़ाई बाज रही थी, नून तो नून तक ये फेंक दे रोए हमारे घर में शरीफ हर एक में डमी। और हां हां के करा मैं डमी शरीफ है, तुम तो पूरा दिन लड़ो हो नहीं के था और यो तो ईसा क्या है कि सब्जी बना लो ना तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, करा करा ना परीसा यो, मम्मी को तो कुछ बनाना नहीं आता ऐसे बोलता है, अभी भी ऐसे बोलता है। हाँ बड़ी खावे सारी डेली बोलता ना परीशा, परीशा तो चुपचाप खा लेती है ना रोज, है ना, चाहे कोई भी सब्जी है ना। बस कल ही लंच बॉक्स वापिस लेके आई थी, ये छोले थे जिसमें और चावल थे और जो मैंने 5 बजे उठ के बनाए थे, वैसे तो रोज खा लेती है बीनू, और इन्हें खा रखी थी पेटीज, उसमें पाए खंडे जो मैं 5 बजे उठ के बनाऊ, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है, 5-5 बजे उठ के मैं बनाऊं चावल छोले के दे राजमा राइस को दे पसाई पनीर। कल स्कूल में जाना है, सो जा फिर, पढ़ के पेपर आ रहे, पढ़ के बोलना मम्मी ने कल पढ़ के सो, चुपचाप सो जा। चलो गाइस मैं रोटी बना रही हूँ, किसी बने रही है रे सब्जी, देखिए के का होगा, देखिए रायता किसा बन रहा है, बस ठीक के ठाक है, बढ़िया। मैं रायता नहीं सका खुद तो गले में चैन पर देख दे मेरे तो फिर ना अच्छी लगती तो मैं पैर लूंगी बोल चल कर ना मेरे पाँव भी नून ना नून लग जा है रोटी जलगी होंगी मेरी तो देख लो माँ के राज में ये काम होते हैं करारी रोटी होगी कती देखियो करारी बनाऊंगी करारी एक नंबर की देखो कितनी बढ़िया करारी रोटी देखियो कती जमा देखिए यहाँ ले आऊंगी एक नंबर की रोटी जमा चूल्हे वर्गी मंदी आंच पर करके डाल की रोटी हो जाएगी कति मजा आ जाए खान में वाह प्लेट भी लेनी पड़ेगी देखिए इतनी अंडी रोटी बनाई है करारी मैंने इस पे लगाएंगे गाय का घी इस पे लगा दिया गाय का घी
इतनी अंडी रोटी बनाई है कति करारी, देख खा के मजा आ जाएगा। बाकी काची ले आऊंगी, ठीक है। या बस मैंने वीडियो के लिए ऐसे बना दी ना कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रोटी बना के देती हूँ अपने बेटे को, है ना, है ना। वैसे तो काची बना करू मैं ना, है ना। ऐसे बोलता ना प्री सा कि मम्मी काची रोटी पो, सही बता बोला ना नो। इफ टीवी कि चला आयो, चुपचाप टीवी बंद कर दिए। क्या नाम का गाना कॉपीराइट आ जाए मम्मी के व्लॉग में, इसलिए ना खुद सुनना चाहते बेटे उसका गाना। इन आज नु गई थी, मैंने बीटीएस से नफरत है, मैं बड़ी होके पढ़ के कोरिया नहीं जाना चाहती। इसने मतलब तूने बोला था ना मैं कोरिया नहीं जाना चाहती, बोला था ना, तो बीटीएस का सॉन्ग क्यों? और हमारी सबकी बातों से बोर हो गए डम्मी, यहाँ पे बैठा हुआ है ना डम्मी, और बाहर आ रही है बारिश, ये घूम के भीग चुका है। और इसी के देख वो बैजली बैजली ना, मेरी तो कसम, मेरी कसम मत खाइयो, मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं, मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है, झूठे खाओ तो मेरी। ठीक है गाइस, कल मिलते हैं, आज के लिए बहुत हो गए, रोटी बनानी रह रही है और क्या कहते हैं खानी भी रह रही है। बाय बाय और गुड नाइट, 11 बज गए पूरे पूरे कति 11।